तो ये जी आज मैंने बनाई है फ्रेंड्स वेट लॉस बेसनी नान। इसको रो नान कह लें, रोटी करें, बहुत ही मज़े की यम्मी और बेहतरीन ज़बरदस्त बनी है। आपके साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं। इसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून दो बर किए और एक छोटा सा चम्मच हमने आटे का ले लिया। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ले लिए बेसन के। साथ में मैंने सब्ज़ियाँ प्याज और टमाटर ले लिया, आप इसमें जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया 1 चम्मच दही का। अगर आपके पास दही नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह भी आप इसका पानी का इस्तेमाल कर लें। अब हम इसमें जो से बाकी मसाला जहाँ डालेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन बनी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़रूर ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो का एंड तक देखें। बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है। इसमें हमने डाला है नमक और ये 1/2 टीस्पून हमने डाली है मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसमें डालेंगे हल्दी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून के करीब ही जाएगा ज़ीरा और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर दही नहीं है तो आप इसमें हल्का हल्का पानी करके डालें, उसे हल्के हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका हमने एक सख्त सा ना पेड़ा तैयार कर लेना है। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बनती है। देखिए हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल किया, हमने इसका पीड़ा सा बना दिया। अब हम इसका हल्की हाथों से इस तरह करके हाथों की मदद से इसकी रोटी देख लेंगे। हल्के हाथों से हमने बस इसको प्रेस कर लिया, एक टूट गई शक्ल दे दें पे। अब ये और नॉन स्टिक पैन में बस ये पैन हमारे पास ग्रीस हो जाए। हम इसमें बनाएंगे इसको आँच हमने इसकी बिल्कुल हल्की कर दी है और इसको हमने ऐसे हाथों की वैसे मैंने इतना दबा सकती थी, मैंने इसको पतला कर लिया बस, इसे ज़्यादा नहीं हम गर्म नहीं थी, ये टूट जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड तैयार होगी, इस तरह ही आपने दूसरी साइड कर लेनी है। ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप इसको दही के साथ खाएं, इससे आपका पेट भी फुल भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं महसूस होगी, वेट भी जल्दी लूज़ होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।